थोड़ा सा आंटी बहुत प्राउड है अपने बच्चे को लेकर के। भाई मैं खुद गाजियाबाद से यहाँ पे आई थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, देखने के लिए कि यार इतना वायरल हो रहा है। बैक टू माय चैनल गाइस, आई होप आप लोग सब बहुत ही ज्यादा मजे में होंगे। और मैं आ चुकी हूँ लक्ष्मी नगर के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 में, जहाँ पे मैं आई हूँ कुछ बढ़िया सा एक वायरल सा वड़ा पाव खाने के लिए। मुझे पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ कि है भी कि नहीं या क्या सिस्टम है एग्जैक्टली, बट जाते हैं देखते हैं कि है असली में कि नहीं है। तो ये इस टाइम पे माहौल है भाई, बहुत भयंकर वाली गर्मी है, एब्सोल्युटली वाली गर्मी। मेरी मम्मा जा रही है मेट्रो स्टेशन और ये हम आ गए नीचे फर्स्ट टाइम। गाइस मैं आ गई हूँ यहाँ पे वड़ा पाव वाले भैया के पास में। ये रही पीछे ये शॉप, मेरा मेट्रो स्टेशन और मैं नीचे ही हूँ यहाँ पे। और वो जो भैया बनाते थे, जो फेमस भैया थे, छोटा सा बच्चा जो था, तो वो चला गया घर पे ब्रेक लेकर के, क्योंकि उस इतनी भीड़ हो गई थी यहाँ पे भाई कि इन दोनों भैया को यहाँ पे आना पड़ा। भाई सोचो भाई, फेम, वायरल, ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ दो बनवाओ। तो दो वड़ा पाव हम बनवाने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे बनता है बढ़िया तरीके से। वाओ भाई देखो कैसे लोग देख रहे हैं यहाँ पे। मम्मी लो मिर्ची नहीं दी भैया। अच्छा अच्छा, तो भाई ये देखो कैसे लाल हरी चटनी, लाल चटनी, ओ हो ओ हो 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 हो। तो अब खा के देखते हैं कि क्या है कैसी है। तो भाई ये रहा वड़ा पाव जो मतलब उस भैया का था, अब देखते हैं। दे दो पेटी। तो गाइस मैं खा के बताने वाली हूँ कि वड़ा पाव कैसा बना है इनका, इन भैया का। अब ये भाई टेस्ट देख लो एक बार कैसा है यहाँ पे। भाई वड़ा पाव तो ठीक है, स्पाइसी है, बढ़िया, एकदम मस्त है। सोचो ये दोनों भैया बना रहे हैं यहाँ पे, इतनी भीड़, भाई गायब भी हो गया बंदा। सोचो गाइस मम्मी और मैंने खा लिया है यहाँ पे, अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो लड़का आए एक बार ही, तो क्या कहना है पता नहीं। कुछ आई थिंक वो मुस्लिम है लड़का, पता नहीं क्या नाम था, उसका नाम है। तो इतनी भीड़ है सोचो, बहुत भीड़। पर 20 रुपीज़ का है इनका वड़ा पाव एंड अच्छा है, ठीक है, डिसेंट है, बढ़िया है, ऐसा कुछ बहुत ओवर द टॉप नहीं है, क्योंकि ऐसे ही सेम ही वड़ा पाव मिलता है नोएडा में, मिल जाता है हर जगह, लेकिन भीड़ है सोचो। लड़का नहीं है तो भीड़ भी नहीं है गाइस, इमेजिन। देखो वो भैया नहीं है तो भीड़ भी नहीं है यहाँ पे, ज़रा सी भीड़ है, अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे अभी तक। तो फिर आप देखते हैं यहाँ पे भीड़ होती है बहुत ही, क्योंकि अभी तो भीड़ नहीं है जैसे कि। अच्छा 4-5 बजे भीड़। अच्छा तो 4-5 बजे भीड़ हो जाएगी सारी, ओके, क्योंकि वो लड़का नहीं है इसलिए। तो गाइज वड़ा पाव एक एक तो हमने खाई लिया, वो बच्चा आधे घंटे बाद आएगा, देखते हैं फिर क्या होता है। बट लेकिन फिलहाल हम ढूंढ रहे हैं कुछ जूस जैसा आइटम बढ़िया सा, क्योंकि गर्मी का मौसम हो गया है तो इसलिए। तुम्हें कैसा लगा उसका वड़ा पाव? अच्छा था खाने में। अच्छा था, मम्मी को तो उसके रेट अच्छे लगे 20 रुपीज़ के। अब हम कुछ जूस ढूंढ रहे हैं, जूस तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, हो रहा अभी जूस, गन्ने का जूस पीने का मन है लेकिन मौसमी दिख रहा है। मम्मा मौसमी का ना पीना, मौसमी नहीं पीना है मम्मा को, तो अब हम गन्ने का ढूंढे ज़रा कहाँ है। तो भाई ये मार्केट है अभी यहाँ पे लक्ष्मी नगर की, बुक्स ज़्यादा मिलती है क्योंकि यहाँ कोचिंग सेंटर ज़्यादा है। तो भाई से ले लिया हमने गन्ने का जूस। तो भाई ये देखो आ गए बच्चा, बना दो। तो भैया कैसा लग रहा है? बढ़िया, फेमस हो गए। गाजियाबाद से मैं आई हूँ आपका वड़ा पाव खाने, और दो खा चुकी हूँ ऑलरेडी, और आपसे वेट कर रही थी मैं आधा घंटा तब से, इन दोनों भैया से पूछ के। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अच्छा महसूस हो रहा है, अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रही है, अब अच्छा लग रहा है, चलो बढ़िया। और ये आपकी मम्मा है? आंटी आपको कैसा लग रहा है?
बच्चे तरक्की करते हैं तो माँ बाप को तो अच्छा लगता ही है। मैं खुद गाजियाबाद से यहाँ पे आई हूँ खाने के लिए और आधे घंटे पहले आई थी मैं। मम्मी और मैं दूसरा स्लॉट खाते हुए दूसरी बार हम लोग खा रहे हैं। हमने एक मम्मक ऑलरेडी खा चुकी है, एक मैं दोबारा से खा रही हूँ। अब मैं दोबारा आपको इन भैया से मिलवाऊंगी। ये बेचारा छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा, उसकी मम्मा भी आई है, वो भी बता रही कि वो कितना प्राउड है अपने बेटे के ऊपर। भाई कैसे वो वायरल हुआ, सोचो ये बना रहे हैं भैया। बता दो जरा कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रही थी सारी भीड़ देख के कि लोग वेट कर रहे हैं आपको, मतलब इतनी देर पहले पहले से आ रहे हैं, उसके बाद में सोचो मैं कल ना इंटरव्यू देने गया है। यार तुम कितने छोटे हो, क्या एज है तुम्हारी? 12 साल का है ये भाई साहब। लिटरली हम लोग सोचो 22-24 साल के लोग हैं, हम लोग भी अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, बट इसने बहुत मेहनत करी है। ऐसा नहीं किसी को ऐसी मिल जाती है चीज़ें, बहुत मेहनत करी है। पूरा टाइम यहाँ पे खड़ा था। इससे पहले जब मैं आई थी तो उन्होंने बताया, उन दो लड़कों ने, कि प्रॉपर एक कंटिन्यूसली खड़ा रहा था, है ना? आप पेश रहते तब आप फिर आप घर गए रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, और ये पीछे आंटी है, आंटी बहुत प्राउड है अपने बच्चे को लेकर के। भाई मैं खुद गाजियाबाद से यहाँ पे आई थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, देखने के लिए कि यार इतना वायरल हो रहा है, क्योंकि मैं लोकल ही हूँ तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि यार है क्या। मतलब बहुत टेस्टी है, मन से बना रहे हैं पहली बार, इतना छोटा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, दिल से मन से दोनों से। आदमी को खड़ा होना भी उसमें मेहनत लगती है, हर काम में मेहनत है, तो वही बात है। तो बस फिर चलो भाई ऐसे तरक्की करो, सब भगवान करे सबका अच्छा ही हो हमेशा। बहुत मजा आया खा करके, बस हम दूसरी बार खा रहे हैं, बस निकलेंगे। एक बार बोल दो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो कमेंट भी करो। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम्हारा है इंस्टाग्राम? हाँ, किंग ऑफ लक्ष्मी नगर इंस्टाग्राम। तो किंग ऑफ लक्ष्मी नगर इंस्टाग्राम ये इसका है, तो इसको दो फॉलो कर लेना, सपोर्ट करो भाई इसको भी, ये भी छोटा सा बच्चा है बेचारा। चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मा कैसा लग रहा है, टेस्टी? तो गाइज यहाँ पे आ गया है, ये मेरा एक और वड़ा पाव और ये रहा पीछे वो। तो गाइज ये मैं खा रही हूँ दूसरी बार इसका वड़ा पाव। टेस्टी है भाई, ये रहा वो वड़ा पाव वाला। सोचो बच्चा, ये देखो खुद भी वीडियो बना रहा है, भीड़ भी शुरू हो गई अभी अभी आया है ये, जस्ट 12 साल का बच्चा भाई। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा भाई आज के ब्लॉग में। मम्मा कैसे लगा तुम्हें वड़ा पाव? बहुत अच्छा था, वड़ा पाव बहुत बढ़िया था भाई। बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, उसके ब्लॉग्स को भी उसको सपोर्ट करो और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में, कहीं और जब मैं जाऊँगी एक्सप्लोर करूँगी। तो बस फिर ये था आज का ब्लॉग मेरा, जो वायरल वड़ा पाव बॉय के पास हम आए हैं, जो यहाँ लक्ष्मी नगर में बनाता है भाई। बहुत टेस्टी, आपने देखा ही होगा इसकी वीडियोज वगैरह सब कुछ, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत मेहनती बच्चा है कसम से। तो ये था आज का ब्लॉग गाइस। बस फिर आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो डेफिनेटली कर लेना जा करके, मुझे भी सपोर्ट कर दे उसके साथ साथ यार, थोड़ा सा यार, कि मेहनत से मैं गाजियाबाद से यहाँ डेली आई हूँ लक्ष्मी नगर, तो प्लीज़ जाके यार सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेगा अगली ब्लॉग में, बाय बाय।